हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि अपने जीमेल आईडी पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर या फ़ोन नंबर को कैसे सेव करते हैं। तो आपका फ़ोन नंबर डिलीट भी हो जाता है तो दोस्तों आप उस फ़ोन नंबर को रिकवर कर सकते हैं दोस्तों, या आपके मोबाइल गुम हो जाता है या आप उस नंबर को डिलीट कर देते हैं तो आप उस नंबर को फिर से वापस कर सकते हैं दोस्तों। तो आप बने रहिए इस वीडियो को अंतिम तक, तो आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको होम स्क्रीन पर आ जाना है और होम स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट को क्लिक करना है। तो कॉन्टैक्ट फाइल को क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप जितना भी नाम सेव किए हैं अपने कॉन्टैक्ट फाइल पर, आपका फ़ोन नंबर जितना भी नाम सेव किए हैं वह सभी दिखाई देगा। तो आपको ऊपर में दिखाई देगा 3 डॉट, तो उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये इस प्रकार का आएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को आपको क्लिक करना है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा शेयर विजिबल कॉन्टैक्ट। तो शेयर विजिबल कॉन्टैक्ट को आप टच करेंगे तो दोस्तों आपका जितने भी फ़ोन नंबर है, आप जितना अपने जीमेल आईडी पर सेव करना चाहते हैं उस नंबर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे फिलहाल के लिए एक दो अपने नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूं। आप चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल, आप जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर पर आप सेव किए हैं वह सभी को कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल करके, चिन्हित करके। सिलेक्ट ऑल करने से आपका पूरा सभी नंबर चिन्हित हो जाएगा और चिन्हित होने के बाद आपका नंबर आपके जीमेल आईडी पर सेव होगा दोस्तों। तो मैं इसी को करने के बाद ऊपर को देख सकते हैं, ऊपर में डन लिखा है तो आपको डन को आपको क्लिक करना है दोस्तों। तो डन को क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का आएगा। तो आपको गूगल ड्राइव का दिखाई देगा ऑप्शन में, तो गूगल ड्राइव को आपको चेंज करना है या जस्ट अन करना है। तो मैं जस्ट अन करता हूं दोस्तों गूगल ड्राइव को, आप देख सकते हैं ऊपर में। तो उसे जस्ट अन करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का आएगा। तो आप फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं, वी कार्ड है तो आप फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो मैं कुंवर VCF नाम का फाइल का नाम चेंज कर दिया हूं। उसके बाद आपको नीचे देख सकते हैं अपने जीमेल आईडी, आप जिस भी जीमेल आईडी में आपका फ़ोन नंबर रखना चाहते हैं उस जीमेल आईडी को चेंज कर लेना है दोस्तों। आपका 2-4 जीमेल आईडी है तो आप जिस भी जीमेल आईडी में चेंज करना चाहते हैं उसे कर लेना है, उसका सेव कर देना है नीचे। उसका सेव करने के बाद दोस्तों फिर वह प्रोसेसिंग होगा और सेव हो जाएगा दोस्तों, आपका जो गूगल ड्राइव फाइल में आपको सेव हो जाएगा। तो सेव होने के बाद दोस्तों आपको देखना है अपने होम पेज पर आकर ड्राइव, गूगल ड्राइव पेज ड्राइव पर आना है। गूगल ड्राइव जो ऐप है उस पर आपको खोलना है। तो खोलने के बाद दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इस प्रकार के इंटरफेस आने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों जो फाइल सेव किए थे, जो कॉन्टैक्ट नंबर सेव किए थे वह उस फाइल का नाम टाइटल आ गया है। तो आपको उसी को टच करना है, उसी फाइल को टच करना है और आप देख सकते हैं दोस्तों आपका जो डिलीट होगा तो आप इसी में ही आपको रिकवर करना है। तो आप इसे टच करने के बाद आप अपने फ़ोन रिकवर करना चाहते हैं अपने नंबर को, तो फ़ोन पर आपको क्लिक करना है। तो आपका नंबर जो फिर सेव किए हैं वह नंबर आपके फ़ोन पर चला जाएगा, या तो आप दूसरे जीमेल आईडी पर भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, अपने जो नंबर आप डिलीट हो जाते हैं तो इस प्रकार से आप रिटर्न पा सकते हैं अपने नंबर को, या तो आप शेयर करके या मैसेज के द्वारा भी दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं उस नंबर को, इस जो सेव किए हैं जो अपने जीमेल आईडी पर। तो उस मैसेज के द्वारा आप अपने नंबर को दूसरे मोबाइल तक भी पहुंचा सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अपने जीमेल आईडी पर नंबर सेव कर सकते हैं और आपका मोबाइल डिलीट हो जाता है या खो जाता है तो आप उस नंबर, अपने इम्पोर्टेंट नंबर आप अपने जीमेल आईडी पर सेव कर सकते हैं और अपने जीमेल आईडी के द्वारा उस नंबर तक आप पहुँच सकते हैं, या उस नंबर को आप आसानी से कोई भी मोबाइल पर आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।